गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। ये लूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें एंशेंट हिस्ट्री है, और इसके दो पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आप इडुसाला के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट थर्ड है एंशेंट हिस्ट्री का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी उन्हें कौटिल या विष्णुगुप्त कहा जाता था ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। दो और तीन मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नकाशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में स्थित है, में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, दिव्य अवदान के अनुसार था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड़े गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है।
पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। नोट, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, कर्ण, चौपार, सुदामा तथा बिच्छू झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से एवं मनसहरा जो पाकिस्तान में है से मिलता है और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट, खरोष्ठी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादेत्री फेंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, शिलालेख और विषय। पहले शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां शिलालेख, इनमें अशोक को तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। दसवां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ग्यारहवां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। बारहवां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तेरहवें शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे। चौदहवां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौसाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। मौर प्रांत और उसकी राजधानी, उत्तरापत की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, प्रासी जो पूर्वी प्रांत भी कहा जाता था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। कौसाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है।
अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी देव है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम की धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। नोट, महास्थान जो बांग्लादेश से प्राप्त सो गौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री प्रधानमंत्री को पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होता था। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सनिधाता राजकीय कोषा अध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने समुद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अब चलिए प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति और कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख इसका कार्य था। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना इसका कार्य था। चतुर्थ समिति इसका कार्य व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ समिति बिक्री कर वसूल करना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख की व्यवस्था। चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख। षष्ठ रथ सेना की देखरेख। ये सैन्य समिति था ऊपर।
प्रशासनिक था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए होता प्रयोग के होता था। मेघस्थिर ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये 7 वर्ग कौन है? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। ब्राह्मण समाज साम्राज्य शुंग एवं कर्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। आइए 7 वाहन वंश राजवंश पढ़ते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या, फिर से सुन लीजिए, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और 7 वाहन वंश की स्थापना की। 7 वाहन जो आंध्र वंश भी कहलाता है। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीसा का, चांदी, तांबा, सीसा, पोटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया और इनमें सबसे ज़्यादा सीसे का। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस सीसे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पूरा लेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें वह अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने के उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट: सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश जो कलिंग में, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुंबा लेख अभिलेख भुवनेश्वर जो उड़ीसा में से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। भारत के यवन राज, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने
अक्षुण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोटोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोटोटस द्वितीय यूथिडेमस डेमेट्रियस मिनांडर यूक्रेटाइडस एंटी आल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी राजधानी साकल जो आधुनिक में सियालकोट में है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन जिन्हें नागार्जुन भी कहते हैं से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पुनो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की ही देन था इसलिए यह यौनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब शक: यूनानियों के बाद शाखाएं, शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी में गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित था का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाण पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुचुल कटफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: चीनी जनरल पेन चवा ने कनिष्क को हराया था।
आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं से उत्कृष्ट है। नोट, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। कनिष्क का राज वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाभिवास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। अब संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। फर्स्ट है पत्थु पातु इथु थोकै तथा पादिनेन किल कनकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र राजनीति आर्थिक जीवन एवं पढ़ने से संबंधित है। स्थान अध्यक्ष संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रथम संगम मदुरा में हुआ, समुद्र में विलीन हो गया। इसके अध्यक्ष अगस्त हैं। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ अकटियम परिपदाल मधुनारय मुदुकुरकु तथा कलारी अविरय कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, जो अल्लवाई भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष अगस्त ही थे। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोलकापियम तमिल व्याकरण और रचनाकार तोलकापियर है, जो 3700 वर्ष पूर्व में हुआ था। तीसरा संगम मदुरा में हुआ था। नकीरर इसके अध्यक्ष थे। इसमें संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेदुन थोकै कुरुत थोकै नत्री नई एनकुरु भुरु परिपादल कुथु वरी पेरिसै तथा सी त्रिसै आदि। नोट, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुन्नाबुक्स रसु अपार ने किया। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम जिसे पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोलन उनकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सतनार ने मणिमेकलय की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलय कोलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं सदी की कृति
न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोलकापियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गईं। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। तिरुकुरल नाम है इसका। नोट, रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतरम है। संगम साहित्य के काव्य की 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे एवं में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। थोड़ा शब्द कठिन है तो ध्यान दीजिएगा। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुटवन 180 ईस्वी। सेनगुटवन ने अधिराज्य की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 1/6 होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल के में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग पुलायन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई तथा एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति, मलवर लूटपाट करने वाली जाति। तोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंच तिनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिनय व अनुचित प्रणय को पेरुंदे दिनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न
तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम धूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओवयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षा होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता है। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे, इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थीं। इन्हें कड़ैत सिवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडू को पेडोक कहा गया है। नोट: संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यन हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित किया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है।